वालेकुम गाइस, ये पार्ट टू आ गए हैं उसका और आप पार्ट टू देख लें, सो से लेकर हो जाओ पास तक और काफ़ी मज़े किए हैं। आप पूरी देख लें, कोई 13 मिनट्स की वीडियो है और आपसे एक गुजारिश है, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लिंक डाल दूंगा अपने इंस्टा का, सो मस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टा। बाबू सर टॉप से हम अब आगे गिलगित जाएंगे, जो कि गिलगित 180 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हमारी नाइट स्टे है, तो वहाँ हम जाके फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं, नज़ारे दिखाएंगे और चिल करेंगे, मज़े करेंगे और नाइट डांस करेंगे। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, मैं घड़ी की तरफ, मेरे हाथ में है, सब अंगूर के चोर आए हुए हैं। बहुत मज़े के अंगूर है ये, देखे ये कह रहे कि आपने अपने आप सिर्फ दिखाए, सब ये अंगूर चोर है। तो हम रागाफुशी, आप लोगों को पीछे नज़र आ रहे हैं, रागाफुशी पहाड़ है, मैं भी आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं फ्लिप करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। सो डैट्स इज रागाफुशी, बहुत मज़े की लुक है इसकी। जी तो ये आप ड्राप पास जा रहे हो तो बीच में एक मज़े की जगह आता है, ये जो पुराने पार्क के इससे पिछले बोर्ड लगा हुआ है, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके देख लें, जो पुराने ज़माने के जो लोग होते थे उस पर मतलब वो हाथ से और पत्थरों पर लिखाई वगैरह, मैं भी हम लोग तो बिल्कुल नहीं समझते उसको, मतलब हमें समझ ही नहीं आती कि इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे नक्शे वगैरह उन लोगों ने बनाए हुए हैं। हम तो नक्शे ही कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं मारहोर से बनाए हुए हैं उन लोगों ने, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप देखें, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने, हमें समझ बिल्कुल ही नहीं आ रही, लेकिन कोई कार्टून से वगैरह बनाए हुए। अगर आप इस जगह को देख ले तो ये है, हम इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, डोंट नो, और भी हैं काफ़ी जगह हैं, ये हज़ार साल पुरानी लिखाई है वगैरह, ये अब उन लोगों ने मारहोर वगैरह बनाए हुए, पता नहीं कि इनका मतलब ही क्या होगा, आई डोंट नो। और मैं मज़े की चीज़ बताऊँ यहाँ की, लेडी फिंगर, That's his girl, Lady Finger. हम आताबाद लेक पहुंच गए हैं और
आप लोग इसकी फीडबैक काफ़ी मज़े की और प्यारी लोग हैं इसकी। पानी के बाग वगैरह हैं इस साइड पे भी हैं और ये भी हैं साथ में। अभी हम गुजरात पास के रास्ते में हैं, लेकिन पहले हमारी गाड़ी खराब हुई थी और फिर उसको ठीक करवाना था, तो वो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। लेकिन अब मसला ये है कि 4 बजे से आगे छोड़ती ही नहीं है और अब 4:30 ऊपर है, आगे जा नहीं सकते हम, बस तय करेंगे। और अभी मैं एक आबशार के साथ बता हुआ हूँ जो बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सी मंजर है उसकी, आप लोग खुद देख लें। और गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं उठा हूँ कोई 7:21 ऊपर सुबह के, और इससे पहले फिर उसके बाद हमने नाश्ता की। नाश्ते के बाद अब हम निकल रहे हैं, यार नींद आई है ज़ालिम किस्म की। हाँ जी, तो हम नाश्ते के बाद हम निकल रहे हैं या 2 आवर्स समथिंग, तो बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी और हम दुआ कर रहे हैं कि वहाँ बर्फबारी हो, स्नोफॉल हो। हाँ जी, तो हम सुस्त से हजरा पास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो चेक पोस्ट आती है एंट्री करनी पड़ती है उसमें, तो कम से कम 100 से एंट्री पोस्ट तक तकरीबन अगर तुम 60 और 80 स्पीड से आओ ना तो आधा घंटा लगता है। स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, बारिश पहले बारिश थी और हम जैसे ही ऊपर आए हैं ना तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, बहुत मज़े की है ना, हमारे एक्सपेक्टेशन रियलिटी में चेंज हो गई। फाइनली वी रीच चाइना बॉर्डर, और टोटल हम कोई जब इंट्री की है तो आधा मतलब 9 बज रहे थे और अब 10:15 हो रहे हैं, तो मतलब 2 आवर्स में तुम यहाँ पहुँच सकते हो चाइना बॉर्डर सुस्त से, और कम से कम
मतलब वो 2 hours, और मैंने सोचा था और मैंने अपनी भाई को स्नोफॉल होगी और स्नोफॉल हो रही है अभी और काफ़ी मज़े की स्नोफॉल है। हम यहाँ रुके हैं, ये यॉर्क्स है पीछे आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यॉर्क्स है, ये बहुत मज़े की, बहुत मज़ा कर रहे हैं यार, बहुत मज़े की यॉर्क्स है, बहुत ढेर सारे। और पीछे उस पहाड़ को देख के कितने खूबसूरत मंजर है इसकी। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है और जाम सी हो गई है, और मेरा जो मोबाइल है उसका पता नहीं 40% चार्ज था और कूलनेस की वजह से वो डायरेक्ट डाउन हो गई है बैटरी उसकी। तो मैं अभी भाई के मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, और बाकी स्नोफॉल इज कंटिन्यू, स्नोफॉल कंटिन्यू स्टार्ट है, और बस और कुछ नहीं, बाकी मैं कुछ तो मैं बोल दूँगा आप लोगों के साथ बात कर लूँगा जो मौसम देर ज्यादा खुले दे। नो जब भी आप लोग आए तो कम से कम एक हफ्ता लेके आया करें, 2-3 दिन के काम नहीं है। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो कम से कम आपके साथ हफ्ता या 5 दिन हो तो आप काफ़ी हद से ज़्यादा इंजॉय कर पाए। थैंक यू, खुदा हाफिज़ और बाय।